वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड, दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, वी आर डीलिंग विद 10 एम डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर नंबर 99 पे हम आ चुके हैं और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बट आज का लेक्चर जो फोकस रहेगा वो स्टेट पीएससी पे रहेगा। रिमेंबर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज के जो क्वेश्चन हैं वो स्टेट पीएससी को देखते हुए मैंने फोकस किए हुए हैं। तो आप लोग जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऑफकोर्स स्टेट पीएससी भी देंगे, और जो स्टेट पीएससी की डायरेक्टली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो आज के क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन रहेंगे, चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट, और जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 8 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिक और देखते हैं किस किस को स्टैटिक अपने क्लियर है। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज रिलेटेड टू वेरी फेमस क्वेश्चन, ये ऑलरेडी एमपीपीएससी की स्टेट पीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सबसे पहले कौन सी वुमेन ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, आप चार ऑप्शन रीड कर सकते हैं और करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। ये वैसे एनसीईआरटी की, याद रखिएगा, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन मेंशन है, तो आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। स्टेट पीएससी में तो ऑलरेडी एक स्टेट पीएससी में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जुनको ताइबी। याद रखिएगा, शी वाज द फर्स्ट वुमन हु क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा, उनकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये उनकी इमेज है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वुमेन किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन है जापान या साउथ कोरिया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जापान या साउथ कोरिया किस कंट्री की वुमेन है जिन्होंने सबसे पहली वुमेन बनी है टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी आपको पता होगा अर्जुन अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, भारत रत्न खेल, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस किस पर्सनालिटी को मिला है। ठीक है, और वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए मिला है। बाकी किस किस को अवार्ड मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर मेंशन करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है अर्जुना अवार्ड, अब अर्जुना अवार्ड भी मिला है इस बार। अब क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ, इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर, कब से स्टार्ट हुआ है। तो बहुत स्टैटिक क्वेश्चन हो जाता है, बट याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको चार अवार्ड्स दे देंगे, बोलेंगे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो। ठीक है, तब आपको ये ईयर्स अगर पता हो तो आप सेट कर सकते हो। तो ये अर्जुन अवार्ड के ऑप्शंस हैं 1965, 63, 61 या 1975, दीज आर द फोर ऑप्शंस। नहीं पता है तो अब याद कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1961 में अर्जुन अवार्ड को, याद रखिएगा, स्टार्ट किया था। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, शायद इसका नाम आपने सुना होगा, ओपेक। ठीक है, ओपेक पेट्रोलियम से रिलेटेड है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सी चार कंट्रीज में से ओपेक के मेंबर नहीं है, रिमेंबर विच इज नॉट द मेंबर ऑफ ओपेक। ऑप्शन है अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया या नाइजीरिया, दीज आर द फोर ऑप्शंस। अब आपको पता होना चाहिए ओपेक में कौन कौन से मेंबर्स हैं, तभी आप बता सकते हैं, और नहीं भी पता हो तो ऑप्शन देख के शायद आप बेस्ट गेस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ओपेक का हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मलेशिया। याद रखिए, मलेशिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ओपेक, और ओपेक याद रखिएगा पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने बहुत बार होमवर्क आपको दिया हुआ है, तो आई थिंक बहुत लोग को याद हो चुका होगा। ठीक है, बट हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो प्लीज हमारे सीरीज में जाइए, वहां पर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वेबसाइट दी हुई है, जहां पर आपको डिटेल में, याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट का कोर्स आपको मिल जाएगा, कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, और आपको बहुत एडवांटेज होगी उस कोर्स के लिए। ओके, तो क्वेश्चन इनमें से कौन सा बाल्टिक स्टेट नहीं है। तो सबसे पहले आपको बताऊं जी, बाल्टिक स्टेट कौन कौन से होते हैं। आपने अगर वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा, यूरोप का मैप देखा होगा, तो आप बाल्टिक सी देखा होगा। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन उठाया गया। ऑप्शन है बेलारस, एस्टोनिया, लतविया या लिथुआनिया। तो याद रखिए, दीज आर द फोर ऑप्शन, आपको पता है कौन सा बाल्टिक स्टेट नहीं है, रिमेंबर। तो मैं आपको दिखा देता हूं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेलारस। बेलारस इज नॉट द मेंबर ऑफ, याद रखिए, नॉन नोन, इट इज नॉट नोन एज व्हाट, बाल्टिक स्टेट। ये देखिए, दिस इज अ मैप ऑफ यूरोप, यूरोप का नॉर्दर्न मैप है, यहां पर आप देख रहे होंगे बाल्टिक सी, और ये जो कंट्रीज देख रहे होंगे एस्टोनिया, ये मैंने लिखा लातविया, दीज आर द बाल्टिक स्टेट, को बाल्टिक सी को टच करते हैं। बट आप देख रहे होंगे यहां पर जो है वो बेलारस को अगर आप देख रहे होंगे तो वो अंदर, ठीक है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ बाल्टिक स्टेट। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपको यहीं से उठा के दिए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहला ओलंपिक गेम किस ईयर
ईयर में हुआ था और किस प्लेस में हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, स्टैटिक क्वेश्चन है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स किस ईयर में स्टार्ट हुए थे और कहां पर हुए थे, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इंडिया ने सबसे पहले कौन से ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, ऑप्शन है 1920, 1928, 1972 या 1974। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको बताऊं चाहिए, इंडिया फर्स्ट टुक पार्ट इन द ओलंपिक्स गेम इन द ईयर ऑफ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1920। तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था 1920 में। तो याद रखिएगा सबसे पहले ओलंपिक कहाँ हुए थे और उसका याद रखिए 1920 का भी ओलंपिक कहाँ हुआ है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और ये तो पता ही होना चाहिए आपको कि सबसे पहला ओलंपिक कहाँ हुआ और किस जगह पर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कौन सी इनमें से जो लैंग्वेजेस मैंने लिखी हुई हैं इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन की नहीं है, रिमेंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन है अरेबिक, चाइनीज, पोर्चुगीज या तो स्पेनिश, दीज आर द फोर ऑप्शन, आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, पहले तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी दैट इज यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेजेस हैं। तो कमेंट बॉक्स से पहले आप जाइए, अगर आपको नहीं पता है यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखिए। हिंदी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की? नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं है, बट डिबेट है कि हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन की बनाना चाहिए, बट अभी नहीं है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सी नहीं है, बहुत लोग अरबिक सोच रहे होंगे या तो पोर्चुगीज सोच रहे होंगे, इन दोनों में हो सकता है आप कंफ्यूज होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोर्चुगीज। तो कमेंट बॉक्स में याद रखिए, बताना है आपको कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हिंदी की डिमांड है, बट अभी हिंदी नहीं है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर यहां ऑप्शन नंबर सी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में आते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट वेरी स्टैटिक और वेरी इजी क्वेश्चन। नहीं पता कोई बात नहीं, आपको याद हो जाना चाहिए। द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की हम बात करते हैं, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है आपके सामने एसिटिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक या तो सल्फ्यूरिक, दीज आर द फोर ऑप्शंस। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ, अगर देखा जाए स्टेट पीएससी में फेवरेट क्वेश्चन रहा है, बहुत सारे यूपी पीसीएस में जो आपको पता होगा वो भी एग्जाम होने वाला है 11th अक्टूबर को, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपको आइडिया मार्क करिए, नहीं आता तो आपके लिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जहां पर ये एसिड, याद रखिए गैस्ट्रिक जूस में ये एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। यहां एक इंपॉर्टेंट, याद रखिए, ऑथर का नाम पूछा है, बुक का नाम है द नेमसेक, रिमेंबर। नेमसेक जो बुक है इसके ऑथर कौन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, जंबा लहरी या तो किरण देसाई, दीज आर फोर ऑप्शन। चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, चारों का नाम आपने सुना होगा शायद, बट नेम से एक शायद जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, हो सकता है उनका आंसर गलत हो रहा हो, अरुंधति रॉय लगा रहे होंगे, दैट इज रॉन्ग। याद रखिए अरुंधति रॉय करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है जंपा लहरी, याद रखिएगा। शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, मैं इमेज दिखा देता हूँ इनकी, याद रखिएगा। शी हैज रिटन द बुक ऑफ द नेम सेक, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेट पीएससी में, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, एनपीटी की बात करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर नॉन, याद रखिए, प्लोरीफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्लोरीफरेशन ट्रीटी। क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये केम इंटू फोर्स कब आई, मतलब ये लागू कब से हुई है, ठीक है। केम into force, this is important, मैं क्यों पूछा है, मैंने आपको बताता हूं, ठीक है। options है 1967, 1970, 1971 या 1974। very static question, very basic question, ये treaty important है, India ने इस treaty को sign नहीं किया हुआ है, remember, India is not the signatory of NPT, ठीक है। इसका correct answer है 1970, और अब आप देख रहे होंगे around 50 years हो चुके हैं, ठीक है, इस treaty को came into force में, इसीलिए ये important हो जाती है treaty, याद रखिएगा। तो मेरा मानना है किसी भी state PSC में detail में अगर नहीं पूछते हैं, तो ये तो पूछ ही सकते हैं, ये कब came into force हुई थी, ठीक है। तो that is also very important, ठीक है। और last question जाते आते हैं, medieval history से question है, सिख गुरु के बारे में पढ़ते हैं, very static question पूछा है, ये already आ चुका है exams में। कौन से सिख गुरु को slaughter किया है, किल किया गया है, बाय औरंगजेब। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस में, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मिडाइवल हिस्ट्री का कोर्स देखिए, वहां हमने डिटेल में हर चीज एक्सप्लेन की है, स्टोरी बना के इसे एक्सप्लेन किया, तो आपको ईजी होगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन याद करने से हो सकता है आपको दिक्कतें आए। आपको याद रखिएगा स्टैटिक पार्ट वेरी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है रामदास, तेग बहादुर, अर्जुन देव या गोविंद सिंह, दीज आर द फोर ऑप्शन, मार्क कर लिया होगा आपने, येस द करेक्ट आंसर है गुरु तेग बहादुर, दिस इज इंपॉर्टेंट। 9th गुरु सिख गुरु थे,
टेन सिख गुरु हैं, आपको टेनो टेन सिख गुरु याद होने चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. ओके, तो याद रखिए 9 सिख गुरु थे. वी हैव डन विद द 10 AM सीरीज. ओके, और आई होप आपको ये सीरीज समझ में आई होगी. ठीक है, कोई डाउट क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे लेक्चर को, प्लीज हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, आपको वहां पर और भी लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जो आपके आगे एग्जाम्स में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं. इस लेक्चर की PDF आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और हमारे इस लेक्चर्स की PDF आपको मिल जाएगी. नंबर हमने यहाँ पर भी लिख रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा. इसका एक नॉमिनल चार्ज है वो हमने ऊपर लिख रखा है, वो चार्ज पे करके इसको ईयरली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हिंदू एनालिसिस अदर इंपॉर्टेंट याद रखिए हमारे लेक्चर्स की PDF भी अवेलेबल होती रहेगी. और एक बात और आपको मैं बता दूं, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे कि 10 क्वेश्चंस 15 हो जाएं. 5 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे अराउंड, वो भी आप आंसर करिए, दैट इज गोइंग टू ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. स्टार्टर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं याद रखिएगा, स्टेट PCS में और UPSC में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी, बट स्टेट PSC में तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ऐसे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आप याद करते जाइए. मैंने जो क्वेश्चंस पूछे एटलीस्ट उनको तो आप याद करके रख लीजिए. ओके, कोई डाउट क्वेरीज है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू.